हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। इससे पहले हमने जो है सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। देखिए, इंडक्टेंस जो है इंडक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें भी जो है हम करंट पास करते हैं दूसरी बॉडी में, या यूं कहें एक सोलिनोइड से दूसरे सोलिनोइड में हम करंट जो है पास करते हैं, लेकिन दोनों में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। देखिए, जैसे हम मोबाइल्स पर बात करते हैं ना, तो मोबाइल्स में क्या होता है, हम बिना दूसरे को टच किए, बिना किसी वायर के अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड कर सकते हैं। तो सेम वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि करंट को भी हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी वायर के। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, लेकिन इसके पीछे जो है कई बार एक्सपेरिमेंट भी हो सके हैं। तो जो हमारे दूसरे कंट्री हैं, हमारे पास जो यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने तो जो है जैसे जापान वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे करंट है बिना किसी तार के जो है 2 किलोमीटर तक जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि वो आसानी से उसको भेज सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर के पहुँचा सकें। लेकिन हम इसका यूज़ बहुत करते हैं, बिना इंडक्शन के, बिना म्यूचुअल इंडक्शन के हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर में भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता। यदि हम उसको अंदर से खोल कर देखें तो उसके अंदर सोलेनोइड होते हैं ना, तो उसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता, बल्कि उसमें दो तरह की कॉइल होती है, एक तो प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। वो ट्रांसफार्मर के पॉइंट में हम बिल्कुल आपके साथ साझा करेंगे, पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देंगे किस तरह से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होती है ट्रांसफार्मर में भी। तो इसका हमारा नेक्स्ट वीडियो का ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो बात जैसे मैं हमारा सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या था, जब उसमें इंडक्शन खुद ही उसके अंदर स्वयं उत्पन्न हो जाती है तो वो सेल्फ इंडक्शन होती है। लेकिन जब इंडक्शन एक नेबरिंग जो हमारा सोलेनोइड है उसके अंदर हो जाती है तो उसको हम क्या लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन लेते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र, और चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, दूसरी बात ध्यान रखिए बच्चों, ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम में बड़ा काम आने वाली बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको हम एक फिगर आपके सामने बनाते हैं। देखिए फिगर में क्या लेंगे। देखिए, हमने जब सेल्फ इंडक्शन ली थी तो उसमें हमने सिर्फ एक ही कोयल से काम चलाया था। अब क्या होता है, मान लो हमारे पास ये एक प्राइमरी कोयल है, ठीक है ना, और ये हमने जो है करंट से इसको जोड़ दिया है, ठीक है, एसी करंट इसमें लगाया है। और दूसरी हमारे पास एक और दूसरी, इसको हम सेकेंडरी कोयल मानते हैं। क्या मानते हैं, सेकेंडरी कोयल मानते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे लगा देते हैं, कोई भी आउटपुट लगा देते हैं। तो देखिए, जैसे ही इसमें से हम करंट पास करते हैं ना, जैसे ही इसमें से करंट पास करते हैं, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस तो होगा ही। ईएमएफ इसमें फर्स्ट वाली जो ये प्राइमरी कोयल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हमने इंड्यूस कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, तो इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर है वो दूसरी में जाता है, यानी कि जो नेबरिंग कोयल है, सेकेंडरी कोयल है, उसमें भी चला जाता है। और वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करता है। कितनी हमने टर्न, नंबर ऑफ़ टर्न की, जितनी ज़्यादा टर्न होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगली कोयल में जाएगा, और जितनी कम होगा उतना ही आगे जाएगा। तो हम मान लेते हैं, हमारे पास दो कोयल है, एक तो देखिए हमारी ये प्राइमरी कोयल है और ये दूसरी वाली क्या है, हमारे पास सेकेंडरी कोयल है, ठीक है ना। एक बैटरी से जो हम इसको, देखिए हम फिगर को आपके लिए दोबारा से बना देते हैं। इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है, ये मान लो प्राइमरी कोयल है हमारे पास और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्लियर पॉइंट। अब जब इस में से हम करंट पास करते हैं इसको प्राइमरी कोयल में से, और एक इसमें गैल्वेनोमीटर भी हम लगा सकते हैं ताकि हमें करंट का पता चल सके। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, और इसके नियर ही हम क्या एक सेकेंडरी कोयल रख देते हैं। नियर क्या रख दिया हमने, सेकेंडरी कोयल रख दीजिए, ठीक है, क्लियर पॉइंट ही। और बीच में हमारे पास जो ये क्या है, हमारे पास सोलेनोइड का काम कर रहा है इसको, जिसको हम एल से भी लिखते हैं, ठीक है। द कोयल, यानी कि जो प्राइमरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल आर
पी जिसको हम लिखते हैं, मान लो ये पी है हमारी और ये एस है, तो ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगी और एस वाली सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। अब जैसे ही हम इसमें की प्रेस करते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो क्या होगा, करंट इसमें से पास होगा। क्या होगा, करंट इसमें से जो फर्स्ट वाली कॉइल है इसमें से करंट पास होगा, और जैसे इसमें से करंट पास होगा तो फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है इसमें प्राइमरी कॉइल में। और जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स स्टार्ट होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, अब देखिए फर्स्ट वाली में सेल्फ इंडक्शन आ गया ना, तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। पहली वाली में सेल्फ इंडक्शन के कारण इंड्यूस ईएमएफ आ गया जो हमारी प्राइमरी कॉइल है, जो ये वाली कॉइल है, और इसी से फिर क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। लेकिन क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी कॉइल इसके पास रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल क्या है, इसके पास रखी है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग अप विद द सेकेंडरी कॉइल। जो ये दूसरी कॉइल है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, इनके फ्लक्स इसमें भी बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो गया सेकेंडरी कॉइल में, और जो ये इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में होता है वो भी क्या करता है, अपोज करता है ग्रोथ ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अगर हम मान लो की को रिलीज कर देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल एज वेल एज द सेकेंडरी कॉइल, द साइंग ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस केस विल अपोज द अपोजिट किसके होगा, जो हमने की प्रेस्ट की है। तो दोनों जब ये हम प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग बोथ ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, तो ये जो हमारी फिनोमिना है कौन सी, दिस फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन ए कॉइल एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। अब तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखिए क्या होते हैं, इफ टू कॉइल्स ऑफ वायर आर ब्रॉट इन टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर, वो जब हमने आपके सामने फिगर बनाया था ना, जब हम दो कॉइल को हम पास रखते हैं ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन लिंक विद अदर ए वोल्टेज विल बी जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक कॉइल के कारण दूसरी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, तो ये इसका मतलब क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दोनों में। व्हेन वोल्टेज इम्प्रेस्ड अपॉन वन कॉइल इंड्यूस ए वोल्टेज अनदर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास फिगर है, ध्यान से देखिए, जो हम अभी फिगर आपके सामने बना रहे थे ना, तो वही फिगर हम आपको देखते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल है, क्या है, प्राइमरी कॉइल, और ये एसी हमने सप्लाई दी है, तो इसमें हमने क्या वोल्टेज दे दी, तो करंट इसमें से पास होगा, तो करंट पास होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बन गया हमारे पास, क्या गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो जो फ्लक्स यहाँ पे बनता है दूसरी में भी फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, दूसरी में भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, और ये क्या है, यहाँ पे कोई हमारे पास एक्सटर्नल लोड दिया गया है, देखिए ट्रांसफार्मर का सीन ही है हमारे पास, ट्रांसफार्मर इस तरह से जुड़े होते हैं, ये प्राइमरी कॉइल होती है उसमें, ये क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो चलते हम हमारा जो डेरिवेशन किस तरह से करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट इन टू अदर कॉइल आर नेबरिंग कॉइल। व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज चेंजिंग द फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ एंड फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए फैराडे लॉ को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये लाइनें बार बार आती हैं, यही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास किस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फाइव, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या है हमारे पास, फाइव है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या है हमारे पास, फाइव है, ठीक है ना, और करंट का सिंबल हमारे पास क्या है, आई है, और जो फ्लक्स होता है हमारे पास एफ, यानी कि जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, एम आई, किसके बराबर होता है, एम आई, ये देखिए एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, और क्या है, कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, ऑफ द टू कॉइल्स, यानी कि फाई
यदि हम आई की वैल्यू वन ले लेते हैं ना, यदि आई क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, तो फाई इजिकल टू एम हो जाएगा। फाई किसके बराबर हो जाएगा, एम इजिकल टू फाई हो जाता है। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू वन लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कोयल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो थ्रू द नेबरिंग कोयल। अगर हमारे पास ई क्या है, यानी कि ई जो है ये, इसकी बात करें हम, इफ ई द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल में ई क्या है, मान लो इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस जो होगा एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोयल इज डी फाई बाई डी टी। तो किस तरह से हम डिनोट करेंगे, देखिए ये हमारे पास फार्मूला बनता है, इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए ये होता है E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो E टू जब हम सेकेंडरी जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम E टू लिखेंगे, यहाँ पे L है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, M आ जाएगा, और करंट उसमें क्या हो जाएगा, I वन हो जाएगा डी आई बाई डी टी। सेम इक्वेशन हमारी बनती है वेयर E क्या है, वोल्टेज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल जो हमारी नेबरिंग कोयल थी, और I वन क्या है, करंट इन द प्राइमरी कोयल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से हम डिनोट करते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई हमारे पास क्या है, एम आई, अभी देखा हमने, डिवाइड बाई डी टी हो गया, ठीक है, यानी कि ई क्या आ जाएगा, एम हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, फैराडे लॉ कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ अपोज द डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो देयर वैल्यू इज सेम बट साइन क्या है, डिफर करता है। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड कंसिडर ए लॉन्ग, अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन, किस तरह से हम इसका डेरिवेशन करेंगे, कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ कंडक्टर लेंथ एल, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कंटेनिंग एन पी टर्न इन इट्स प्राइमरी कोयल, ठीक है, ये पी प्राइमरी कोयल के नाम से है इसलिए नंबर ऑफ टर्न हमारी एन होती है ना, तो प्राइमरी कोयल में ले लिया, नंबर ऑफ टर्न कितनी है, एन पी ले लिया। लेट्स ए शॉर्टर सेकेंडरी कोयल हैविंग एन टू नंबर ऑफ टर्न्स बी बाउंडेड क्लोजली ओवर द सेंट्रल पोर्सन ऑफ द प्राइमरी कोयल, जैसा कि नीचे फिगर में दिया है, हमने ऊपर भी देखा है फिगर, वही हमारे पास सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन लॉन्ग सोलेनोइड हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए कोएक्सियल सोलेनोइड मीन द सेंटर ऑफ द बोथ द सोलेनोइड आर सेम, कोएक्सियल का मतलब ये लेंगे, मान लो रेडियस ऑफ स्मॉलर सोलेनोइड हमारे पास आर वन है और नंबर ऑफ टर्न इन स्मॉल सोलेनोइड क्या है, एन वन है, और रेडियस बिगर का ले लेते हैं हम आर टू और टर्न के ले लेते हैं एन टू, इनके एक छोटे में ये ले लेते हैं और बड़े में ये ले लेते हैं हम ये वाले, ठीक है ना। अब ये फिगर देखिए ध्यान से, अब ठीक है, लेट कोएक्सियल सोलेनोइड पी इज बाउंड ओवर एन अनादर सोलेनोइड, मतलब दो सोलेनोइड इसमें लेकर चल रहे हैं, एक प्राइमरी कोयल के लिए और एक सेकेंडरी कोयल के लिए, ठीक है ना। तो इसको एक बार समझ लीजिए आप, करंट देखिए ये करंट आई वन है, इधर से देखिए ये करंट क्या है, आई वन है इसमें, ठीक है, इसमें करंट क्या है, आई वन है हमारे पास, और जब दूसरी में क्या करंट हमारे पास आई टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, आर वन ले रहे हैं, और देखिए एक में आर वन है हमारे पास रेडियस, दूसरी में क्या है, आर टू है, ये प्राइमरी कोयल लिखा है पी, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, एल लेंथ है हमारे पास टोटल सोलेनोइड की। तो ये हमारे पास फिगर, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी कोयल है, और ऊपर वाली क्या है, प्राइमरी कोयल है, ये ध्यान रखिए आप, एक प्राइमरी कोयल और एक सेकेंडरी कोयल है। तो मान लेते हैं ये डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पेपर में 100% आता है। लेट एल क्या है, लेंथ ऑफ द बोथ सोलेनोइड, वो तो सेम लेंथ है, और आर वन आर टू रेडियस है हमारे पास पी वन की, और मतलब जो प्राइमरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल है, प्राइमरी का आर वन ले लेते हैं और सेकेंडरी का हम आर टू ले लेते हैं। देखिए एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंडरी कोयल, तो इसलिए पाई आर टू बन जाएगा नहीं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सोलेनोइड, ये हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड की जब हमने बात की थी, तो पहले में क्या हो जाएगा, बी वन म्यू नॉट एन वन एल, ये क्या हो गया जब हम फर्स्ट प्राइमरी कोयल की बात करते हैं, तो एन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है एन का, मतलब हमने पिछले वीडियो जो आप एक बार जो है आप सेल्फ इंडक्शन का वीडियो देख लीजिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, तो क्योंकि सेम लाइन पे है दोनों। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, टोटल फ्लक्स
निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, विद सेकेंडरी कॉइल निकालेंगे। देखिए वो पहले हमने क्या निकाला है, ये फर्स्ट के लिए निकाला, देखिए ये फर्स्ट का था, अब सेकेंडरी का फ्लक्स हम B1 A2 N2 हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया हमारे पास क्या है, देखिए ये एरिया निकाला हमने पाई आर्स के निकाला, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, बी सेम हो जाएगा हमारे पास। तो एरिया की वैल्यू पुट होने के बाद हम बी की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए ये बी की वैल्यू पुट हो जाएगी ना, तो टोटल हमारे पास ये आ गया, यानी कि 5 2 = म्यू नोट N1L (L) पाई आर टू उसके रैन टू, तो 5 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रीअरेंज करने से टोटल हमारे पास ये आ गया डेरिवेशन, ठीक है ना। इन शॉर्ट रिजल्टिंग फ्लक्स ये आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, इतना काफ़ी है बिल्कुल, तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे यहाँ तक करने पर। हम थोड़ा शॉर्ट में यदि हम लेके चलें, फ्लक्स लिंकेज विद प्राइमरी कोइल किस तरह से लेंगे, देखिए फ्लक्स क्या होता है N1 ∅1, क्या होता है N1 ∅1, तो हमने क्या फिर इसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है N1 ∅1, तो वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया है। यदि R1 = R2 हो जाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ए लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की, दोनों को लेके चलेंगे और एम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको करके चल सकते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन यदि सिंपल आवर्क आपके पास दो नंबर में आता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फिर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 ऑफ कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 1 किस तरह लेंगे, M21 N251 और डिवाइड बाई I1, तो 521 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी कोयल एसोसिएटेड विद, लेकिन ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, E2 निकाल लेंगे, यानी कि सेकेंडरी कोयल में सेम वही फार्मूला है हमारे पास, तो फार्मूला वही रहे, सिर्फ हमें सिंबल चेंज करने हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो DI/DT हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, तो लेकिन ये किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डेरिवेशन। तो आप जो है इस यहाँ तक काफ़ी, आप यहाँ तक कर लीजिए, वो थोड़ा शॉर्ट में है, जब भी क्वेश्चन आता तो आप यहाँ तक करेंगे, इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए हमने आपको बताया भी किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट हमारे पास रह गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन वन कोयल, आपको ये पता है ना, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी, यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 ले लेते हैं ना, यानी कि DI/DT जो है हम यदि 1 ले लेते हैं ना, DI/DT जो है यदि हम 1 लेके चलते हैं, तो M = E हो जाएगा हमारे पास, M किसके बराबर हो जाएगा, E आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस EMF, E क्या है यहाँ पे, EMF है, ठीक है। SI यूनिट क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वही हमारे पास हेनरी है, क्या है, हेनरी, जिसको मैच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की, यदि हम देखिए M का जो फार्मूला हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, अभी हमने जो लर्न किया ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं, E/DI/DT, इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन का। यदि हम E की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये इनके ये भी 1 ले लेते हैं और ये नीचे बड़ा भी 1 ले लेते हैं, दोनों 1 के बराबर ले लेते हैं, तो M क्या आ जाएगा, 1 हेनरी लेंगे, M = 1 हेनरी, इसलिए यहाँ से डेफिनेशन बनती है हमारी 1 हेनरी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर/सेकेंड इन 1 कोयल इंड्यूस्ड एन EMF ओ 1 वोल्ट इन नेबरिंग कोयल, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल इज सेड टू बी 1 हेनरी, एक नंबर में आ सकता है इसलिए कह रहे हैं, इफ़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर/सेकेंड इन 1 कोयल इंड्यूसिज एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द नेबरिंग कोयल, ये हमारी हेनरी की डेफिनेशन। और हमने जो टॉपिक आज कौन सा कंप्लीट किया है, कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी आपका साथ ही साथ हो गया, जो हमने M निकाला था ना, तो वो कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तो तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त, जय।